नमस्कार, आप देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद अब जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई। और देखिए, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आवास है वहां पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से लगातार CM आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग चल रहा है और जो कई सारे मंत्री भी इसमें पहुँचे थे। तस्वीरों के माध्यम से देखिए, आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे कि लगातार जिस तरीके से जीतन राम मांझी के जो बेटे थे संतोष सुमन, उनके इस्तीफे के बाद जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज देखने को मिली। और वहीं आपको बता दें कि इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे और भी कई जो बिहार सरकार में मंत्री है वो पहुँचे थे। और देखिए, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो भी पहुँचे थे। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए ललन सिंह का जो गाड़ी है अब वो निकलते दिख रहा है CM आवास से। तो कहीं ना कहीं संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद एक हाई लेवल मीटिंग रखी गई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर। और यहाँ पर तमाम जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, बिहार सरकार में कई मंत्री विजय चौधरी पहुँचे थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, कई सारे लोग भी इस बैठक में पहुँचे थे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का इस्तीफा हुआ है, और आपको बता दें कि 23 जून को विपक्षी एकजुटता की बैठक होने वाली है, और उस बैठक से ठीक पहले महागठबंधन के सहयोगी दल यानी जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन का मंत्रिमंडल से इस्तीफा, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। और देखिए, उनके इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई, जहां पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी पहुँचे थे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी पहुँचे थे, बिहार सरकार के कई मंत्री विजय चौधरी भी पहुँचे थे, और उनके साथ में और भी बिहार सरकार के जो कई मंत्री थे वो पहुँचे थे। देखिए, आपको हम सीधा तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। और बैठक से अब जितने भी लोग इस बैठक में पहुंचे थे, अब बैठक में पहुंचने के बाद अब तमाम लोग एक एक करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास से अब बाहर निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद जो सियासी गलियारों में जो हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई है। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक अहम बैठक बुलाई गई थी। आप देखना ये होगा कि जिस तरीके से संतोष सुमन का इस्तीफा हुआ तो मंत्रिमंडल के विस्तार में अब फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। और संतोष सुमन के इस्तीफे के बाद एक हाई लेवल मीटिंग, वो भी CM आवास में, जहाँ पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मौजूद, साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और उनके साथ में बिहार सरकार के कई मंत्री पहुँचे थे। तब देखना ये होगा कि जो ये बैठक बुलाई गई है CM नीतीश के द्वारा, तो इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, कि क्या संतोष जो सुमन थे जिनके इस्तीफे के बाद क्या मंत्रिमंडल में विस्तार भी देखने को मिलेगा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक के धन्यवाद।